हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा एक गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी, एंड एक कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। देन पी इज, देन आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो क्या होगा? ए की वैल्यू हमें मिलेगी पी, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस टू, एंड सी की वैल्यू होगी थ्री पी। ठीक है, अब देखिए, आपको गिवन कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, आप अभी जो यहाँ पे देखिए ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए, माइनस पहले से ही है, बी की वैल्यू गिव हम फाइंड आउट किए हैं माइनस टू, ए की वैल्यू फाइंड किए हैं पी, सी की वैल्यू फाइंड किए हैं थ्री पी, एंड ए की वैल्यू है पी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है और ब्रैकेट में माइनस टू है। जब भी माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें टू मिलेगा, अपॉन में पी इक्वल्स टू थ्री, अपॉन में वन हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, थ्री पी हो जाएगा, और टू का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू होगा वन। अब हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, टू, थ्री को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, तो पी की वैल्यू मिलेगी हमें टू अपॉन थ्री। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पी की वैल्यू टू अपॉन थ्री आई है, जो ऑप्शन बी में है, मींस कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।